पंप में। आइए बढ़ते हैं आगे, वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ने को तैयार, विकास सेठी साहब, राजेश पांडे जी। सेठी साहब से करते हैं शुरुआत, सुप्रभात सेठी साहब, बताएं अपनी लॉन्ग टर्म पिक आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, एक फार्मा स्टॉक को मैंने आज पिक किया अनिल जी। स्टॉक का नाम है लॉरस लैब्स। ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी फार्मा कंपनी है, जो कि एपीआई फिर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च सर्विसेज, जिसमें ग्लोबल एमएनसी को कैटर करती है। फिर आपके कंपनी का मेनली फोकस है ऑन्कोलॉजी सेगमेंट पे, और उसके क्लाइंटेल देखेंगे तो माइलन है, लैबको है, औरबिंदो फार्मा, फिर 116 पेटेंट्स है कंपनी के पास। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 33%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 41%, और कई सारे FIIs भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रहते हैं, जैसे अमंता होल्डिंग अराउंड 4.8% ओन करता है, इसमें BLP पारिबा है, सोसाइटी जनरल है। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, और ये स्टॉक इस एक्सपायरी से F&O के सेगमेंट में भी इंक्लूड होगा, तो वो भी एक ट्रिगर रहेगा। कि आमतौर पर आजकल देखा गया जो जो स्टॉक्स F&O सेगमेंट में आते हैं उनमें एक अच्छी तेजी बनती है, जैसे हमने देखा डेल्टा क्रॉप वाज एन एग्जांपल। मुझे लगता है लॉरस लैब्स में इन लेवल पे खरीदे, मेरा 9 से 12 महीने में इसमें 850 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई सेठी साहब की तरफ से। आइए 10 की कमाई में कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए आने को तैयार है। जैन साहब बताएं सर आपकी 10 की कमाई की पिक आज के लिए। बिल्कुल, आज एक स्टॉक मैंने पिक ऑफ द वीक पे दिया था और वो था इकरा। जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है इकरा, तो उसी से ही मैं इंस्पायर्ड होके, मोटिवेटेड होके मैं सोच रहा हूँ कि एक और दूसरा स्टॉक दिया जाए इसी सेक्टर का, इसी सेगमेंट का, वो है केयर, CARE, केयर। तो मुझे लगता है कि देखिए ये स्टॉक अगर इस सेक्टर को पूरा देखा जाए तो 5-6 कंपनी टोटल इकोनॉमी में जितनी भी क्रेडिट रेटिंग होनी है उसका ये काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें दूसरी प्लेयर्स आने की भी स्पेस कम है, और 3 ही लिस्टेड स्टॉक्स है, और जिसमें से क्रिसिल जो सबसे बड़ा है, इस स्टॉक को हमने बहुत बार रेकमेंड किया है, इकरा को मैंने आज रेकमेंड किया, पहले भी किया है। और क्रिसिल देखिए 21,000-22,000 करोड़ की मार्केट कैप, उसके सामने केयर की मार्केट कैप है 2,000 करोड़। ठीक है, बिजनेसेस में भी बहुत फर्क है, बट इन कंपनीज में एक बहुत बढ़िया चीज मुझे दिखती है, वो प्रॉफिटेबिलिटी पर एम्प्लॉई, दैट इज एक्सिलेंट। मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग होता है कि इतना बढ़िया इनके मार्जिन्स वाले बिजनेस है और कॉस्ट कंट्रोल बहुत बढ़िया रहता है। और अब ये देखिए आप, मैनेजमेंट में चेंजेस हुए हैं, मैंने मैनेजमेंट को सुना भी अनिल जी न्यूज पे, व्यूज पे, और बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे। और चीपेस्ट है, पी मल्टीपल वाइज और वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता है एज कंपेयर टू क्रिसिल एंड इकरा। मतलब क्रिसिल को सर्टेनली देखिए लार्जेस्ट प्लेयर है, कुछ नामचीन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है, तो वो लोग को वैल्यूएशन और हाई मिल रही है। बट केयर की मैं बात करूं तो ऊपर के लेवल से बहुत अच्छा करेक्ट हुआ हुआ है, 800 के लेवल से अब नीचे आया हुआ है, स्कोप बहुत ऊपर जाने का, डिविडेंड डील बहुत बढ़िया देता है, 2.5% का डिविडेंड डील है, यानी कि 64% डिविडेंड पेआउट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज वेरी गुड, FIIs DIIs का 42-43% का स्टेक है। क्रिसिल जो कि कॉम्पिटिटर अगर स्टेक लेता है कोई स्टॉक में तो और कॉन्फिडेंस आता है, क्रिसिल का करीब 9% के लगभग इसमें शेयर होल्डिंग है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, मुझे लगता है कि यह स्टॉक आराम से आने वाले दिनों में 850 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए केयर रेटिंग्स, यहां पर खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आइए, हमारे एक और मेहमान कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और वह है राजेश पालिया साहब। सुप्रभात पालिया साहब, बताएं अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांश जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी MSTC लिमिटेड स्टॉक में। हालांकि लास्ट वीक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट अब हुए हैं वो ये दिखाते हैं कि अब यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भी यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में 550-560 तक की अपसाइड यहाँ से हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो इसे बाय ऑन डिप्स कैटेगरी में अब इस स्टॉक को रखना चाहिए, कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती है तो इसको ऐड करें, 440 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, और 550-570 तक की अपसाइड हमें लगता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे MSTC लिमिटेड में आते हुए दिख सकती है। तो लॉन्ग टर्म में MSTC बाय करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो MSTC में करें खरीदारी, ये है आपके लिए पालविया साहब की लॉन्ग टर्म पिक, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए 10 की कमाई का आइडिया ले राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, बताएं सर। दीपांजू एक छोटा सा अपडेट भी है पहले 10 की कमाई में पिक से, क्योंकि वो रिलेटेड है आज की पिक से। मैंने और कुणाल जी ने 10 की कमाई में NHPC रिकमेंड किया था अराउंड 26 रुपीज, और स्टॉक जो है ऑन एज ऑफ अ बिग ब्रेकआउट है, तो जिन्होंने NHPC ले रखा है होल्ड करें।
सिमिलर थीम पे दीपांशु, आज एक नहीं हम दो स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं, बास्केट ऑफ टू स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं 10 की कमाई में, और स्टॉक हैं दोनों पीएफसी और आरईसी, दोनों में बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है। और थीम यह है दीपांशु, देखें तो निफ्टी जो है 18,000 के लेवल्स पे चल रहा है और मार्केट में काफी नर्वसनेस है। मेरा और कुणाल जी का स्ट्रांग मानना है कि गोइंग अहेड जो ऐसे स्टॉक्स हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं जहां पे हाई डिविडेंड यील्ड है, वहां पर पैसा शिफ्ट हो रहा है। टेक्निकली ऐसा लग रहा है डाउनसाइड कैप्ड है, तो इन स्तरों पर पीएफसी और आरईसी के अंदर निवेश की राय है, साल भर का नजरिया बना के यहां निवेश करें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, पावर फाइनेंसर्स जो हैं, पावर में अगर इतनी बड़ी तेजी है, हम देख रहे हैं कितने सालों बाद सारा फोकस जो है बाजार का पावर स्टॉक्स की तरफ गया है, तो उसका सीधा फायदा आपको पावर फाइनेंसिंग स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। तो आरईसी पीएफसी दोनों के चार्ट बड़े मजबूत हैं, ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं, हमारी मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। इन स्तरों पर गिरावट में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। आरईसी हमें लगता है कि 220 से लेकर 225 के लेवल्स दिखाएगा और पीएफसी जो है 185 से 190 के लेवल्स दिखा सकता है। दोनों काउंटर्स चार्ट पर बहुत मजबूत है, गिरावट में एक्यूमुलेट करने की राय। गिरावट में करें एक्यूमुलेट पीएफसी आरईसी, ये हैं आपके लिए पोजिशनल कॉल्स। आज सुबह ट्रेडिंग के लिहाज से भी वागले साहब ने पीएफसी पर खरीदारी दी थी, किराए दी थी, विश्वेश जी को आरईसी पसंद आया था 165-185 के टारगेट्स के लिए, तो ट्रेडिंग के लिहाज से तो अच्छे लग ही रहे हैं। और थोड़ा पोजिशनल व्यू भी अगर आप लेकर चले तो इन दोनों काउंटर्स में एक्शन दिखेगा। पावर स्पेस आज बढ़िया तेजी में है, टाटा पावर को देख लीजिए, जबरदस्त उछाल, सीजी पावर अच्छी एक्शन दिखा रहा है और एनएचपीसी भी 9-10% ऊपर है इस समय। आइए देखते हैं जय ठक्कर ने कौन सा स्टॉक किया है पिक, उनके लिए बिगुल जय का जैकपॉट। बताया जाए दीप, यू नो टिल नाउ तो यू नो निफ्टी ऑटो सेक्टर ऑफ द मंथ जैसा हो गया है, एंड उसी में से हीरो मोटो कॉर्प, इसका 2940 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, 7160 पर ट्रेड कर रहा है और रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दीप बहुत ही बढ़िया है। इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा नीचे में 46 पर, तो 46 पर लगाइए स्टॉप लॉस, 7160 पर खरीदिए, 2940 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इसका, एंड ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट दीपांशु इसका बन रहा है वो है 110 का, एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 135, तो अच्छे टारगेट्स इसमें बन रहे हैं। अगर आप देखें तो सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट डबल का है 70 वाला 140, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये सस्टेन कर रहा है लास्ट दो तीन दिनों से 200 डेमा के ऊपर दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि हीरो मोटो कॉर्प में हमें जल्दी 3050 से लेके 3100 तक के लेवल्स यू नो यहां से देखने मिल सकते हैं, 3100 तक के लेवल्स ये एक्सपायरी में देखने मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त हीरो मोटो कॉर्प पर आती हुई दिख रही है। इस वक्त तो पूरी तरह से एक्शन में ऑटो स्टॉक्स भी आते हुए दिख रहे हैं। सेठी साहब बताएं, आपने लॉरस लेप दिया है अपनी लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर, आपकी पोजिशनल पिक? बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है, एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है, पूरा ऑटो सेक्टर बिल्कुल वापिस से लाइमलाइट में है और वहां से ऑटो कंपोनेंट स्पेस में भी जो कंपनियां ईवी सेक्टर को कैटर करती है उन पे बहुत ही बुलिश हूं, और वहां से मैंने पिक किया सोना बीएलडब्ल्यू। इस स्टॉक को मैंने कुछ दिनों पहले भी 650 के लेवल पे रिकमेंड किया था और आज ये 775 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे भी मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। एक दमदार कंपनी है जो कि ईवी का प्ले है और एक जबरदस्त 14,000 करोड़ की ऑलरेडी इसकी ऑर्डर बुक है, तो अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। बाकी जून तिमाही के नतीजे बहुत ही अच्छे थे, मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, रेवेन्यूज भी अराउंड 227% ईयर ऑन ईयर ऊपर थे, और बाकी अरे जी ईवी का प्ले है, मुझे लगता है करेंट लेवल पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशन 875 का टारगेट है, 750 का स्टॉप लॉस है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सोना बीएलडब्ल्यू या सोना कॉमस्टार। सेठी साहब कहां तक इसको रिकमेंड करते रहेंगे लगातार? मतलब मेरे ख्याल से आप 400-450 रुपए से आपकी रडार में है, मतलब कितना हो जाएगा उसके बाद छोड़ेंगे आप? अनिल जी, ये कुछ स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं जो लगातार बार बार रिकमेंड होते हैं, जैसे आईएक्स, आरपीएसजी वेंचर, सीडीएसएल, तो अनिल जी उसी कैटेगरी का स्टॉक है। मुझे तो लगता है लॉन्ग रन में, मगर अगर किसी का 12 से 18 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है 1200-1500 तक के लेवल्स भी बिल्कुल इस स्टॉक में आएंगे, तो एक बिल्कुल होल्ड ही करना है। बट क्योंकि सेगमेंट ऐसा है, पोजिशन टारगेट देने हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में ये 825 के लेवल बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए दमदार एक्शन वाला स्टॉक और इसीलिए लगातार इसमें बने रहें, डटे रहें।
ये राय है सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, पालिया साहब से लेते हैं उनकी पोजिशनल पिक। एमएसटीसी पसंद है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। राजेश जी बताएं सर पोजिशनल पिक। अनिल जी पोजिशनल पिक रहेगी सुप्रजित इंजीनियरिंग। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो मंथली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया है, तो मंथली बेसिस पे स्टॉक में ब्रेकआउट हुए और जिस तरीके से डेली वीकली सेटअप इसके बने हुए हैं, हमें लगता है कि यहाँ से इसमें एक पोजिशनल बेसिस पे अच्छा मूव आते हुए दिख सकता है। यहाँ पे आज के करंट रेट से अगर कोई वोलेटिलिटी मिलती है, अगर कोई 5-6 रुपए का अगर डिप पे मिलता है तो इसको एड करें। 365 के आसपास का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे और पोजिशनल बेसिस पे हमें जो लगता है इसके टारगेट आना चाहिए करीब 440 तक के, तो सुप्रजित इंजीनियरिंग बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल कैटेगरी। ओके, पोजिशनली सुप्रजित इंजीनियरिंग पसंद है राजेश पालव्या साहब को। आइए बढ़ते आगे और एक बेहतरीन अपडेट, कम रिसर्च, दोनों मान लें, रिसर्च तो कम है अपडेट ज्यादा है लेकिन है बड़ा आपके काम का। सितंबर तिमाही हो चुकी है खत्म और धीरे धीरे सारी कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्सचेंजेस पर लोड हो रहे हैं और उससे हमारी टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कौन से हैं वो दिग्गज जिन्होंने किन कंपनियों में इन 3 महीनों में, है ना, जुलाई से लेकर सितंबर तक के 3 महीनों में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है या घटाई है। तो इस तरह के बड़े अपडेट्स आते दिख रहे हैं और इन सारी जानकारी को लेकर कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल पहले कौन से बताएंगे? पहले जहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है। वेरी गुड, मुझे ऐसे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो जहां जहां इंस्टीट्यूशंस ने हिस्सेदारी बढ़ाई है पहले वो बताइए। बिल्कुल, तो 7 ऐसी कंपनियां हैं जहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई गई है और जिसमें सबसे पहला है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स निफ्टी की कंपनी। यहां पर LIC ने ऑलमोस्ट 1% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1.69% से बढ़कर 2.72%। साथ ही रैमको सीमेंट, यहां पर भी LIC ने 4.35% से हिस्सेदारी 5.35%, यहां पर भी 1% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाई है, LIC ने 1.78% से बढ़ाकर अब 3.34% कंपनी की हिस्सेदारी इस तिमाही में होती दिख रही है। कोटक महिंद्रा बैंक पर भी नजर रखिए, 4.38% से 4.96%, यहां पर भी इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। और श्री सीमेंट में 1.14% हिस्सेदारी खरीदी है LIC ने। इनफैक्ट नितिन स्पिनर्स, यहां पर जो इंडिविजुअल निवेशक है डॉली खन्ना, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 1.24% से बढ़ाकर 1.64% कर दी है। साथ ही अंत में रेडिको खेतान अगर आप देखें तो वहां पर निवेशक मुकुल अग्रवाल जी ने 1.05% हिस्सेदारी खरीदी है। हिस्सेदारी जहां पर घटी है जिसमें सबसे पहला है MCX, जिसमें दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी ने कंपनी की जो हिस्सेदारी है करीब जून तिमाही में 4.9% थी, वो अब सितंबर तिमाही में 1% से कम हो चुकी है। ब्लू डार्ट LIC ने 1.8% से हिस्सा घटाकर 1.65% किया है। साथ ही ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट इसी में 1.68% से घटकर 1.47% पर यह हिस्सेदारी आती हुई दिख रही है। टाइम टेक्नोप्लास्ट में भी LIC ने करीब 0.10% हिस्सेदारी घटाई है, 1.72% से 1.62%। और अंत में येस बैंक, यहां पर ICICI बैंक ने हिस्सेदारी 3.99% से घटाकर 2.99% की है और LIC की भी हिस्सेदारी 4.99% से घटकर 4.38% हुई है। तो ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें हिस्सेदारी घटाई गई है। घटाई हो तो ठीक है, उसमें आपको ध्यान भी रखना चाहिए अगर कहीं प्रॉफिट बुक करना कराना हो तो। LIC का तो सिंपल फॉर्मूला, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट चलते हैं। तो LIC के अलावा बढ़ाने वाले में 2-3 इंटरेस्टिंग नाम दिख रहे हैं। एक तो नितिन स्पिनर्स में है अनिल जी, डॉली खन्ना ने 2 जगह बढ़ाई है जी। नितिन स्पिनर्स और नितिन स्पिनर्स में ही है पर्टिकुलरली जहां पर ज्यादा फोकस था, तो हम उसी को आपके सामने रख रहे हैं। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग चीजें, काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपका MCX जनरल साहब ने घटाई तो देखिए स्टॉक गिरा और बड़ा रिडक्शन किया था 5% से, ऐसा नहीं कि थोड़ा कम पूरा दे दिया, पूरा पूरा ही निकाल दिया। बड़ा रिडक्शन है, इसीलिए अब 1% से नीचे अगर थोड़ी बहुत होगी तो भी अलग बात है, क्योंकि 1% से नीचे का वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आता नहीं है। लेकिन फिर भी 5% से 1% के नीचे लाना या खत्म कर देना बड़ी बात है, और स्पेशली तब जब लोग सारे एक्सचेंजेस पर बड़े बुलिश हैं। बिल्कुल, पता नहीं एयरलाइंस के लिए पैसे की जरूरत बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीरियड शायद चला गया, लेकिन एक्सचेंजेस के लिए तो IEX, MCX, BSE, NSE अभी समय तो एक्शन। एनीवे चलिए देखते हैं क्या कुछ है। तैयार है हमारे साथ सुमित जी अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी,
अनिल जी, मन में जो इच्छा होती है पैसा कमाने की वो ये स्टॉक पूरा करेगा, क्योंकि स्टॉक का नाम है मन्नापुरम। मन्नापुरम के अंदर अब स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाएगा। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक पिछले 5 से 6 दिनों के साइडवेज मूव के बाद एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म कर रहा है और लास्ट 4 से 5 दिनों के हाई के ऊपर आ चुका है। 206 का इसका मन्नापुरम का पहला टारगेट होगा, 211 रुपए का मन्नापुरम का दूसरा टारगेट होगा। मन्नापुरम में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें 194-195 इसका इमीडिएटली नीचे में छोटा सा स्टॉप लॉस और सपोर्ट बनेगा। तो 195 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मन्नापुरम में खरीदारी करें 206 रुपए से लेके 211 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट। पोजिशनली टारगेट मेरे को और भी ऊपर के लगते हैं, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा मन्नापुरम में। ओके, ये है आपके लिए मन्नापुरम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय आती हुई सुमित जी की तरफ से। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म पिक्स ली जाए, पहले राजेश जी से ले लें। राजेश जी बताइए अपनी शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक रहेगी एलजी बालाकृष्ण ब्रदर्स। ये स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप देखें तो स्टॉक में पिछले 5-6 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और अगर हम इसका सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से वीकली सेटअप अब यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये इसके प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कि इसके करीब थे 540 के आसपास। और वो ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में जो अप ट्रेंड बना हुआ है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड में, वो कंटिन्यूटी इसमें देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है एलजी बालाकृष्ण ब्रदर्स को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 510-511 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 490 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है इसमें, और हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म के टारगेट जो आना चाहिए करीब 570 तक की अपसाइड इसमें बनते हुए दिख सकती है। ये है आपके लिए एलजी बाला। कौन सा अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी ना बाला वाले गाना, कौन सा हाउसफुल? हाउसफुल थी ना, बाला करके गई थी। खरीदारी एलजी बाला ही है ना राजेश जी? जी एलजी बालाकृष्णन ब्रदर्स। ओके, यहाँ पर अच्छा कौन जय बोले थे ये हाउसफुल फोर जय? चार से ज्यादा देखते हैं या फिल्म? जी अनिल जी, यस जी अनिल जी, फिल्में भी देखता हूँ, डेफिनेटली देखता हूँ। अनिल जी बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग हो गया था, इनफैक्ट काफी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अनिल जी काफी लोग वो सॉन्ग का यू नो डांस करके यू नो रख भी रहे थे रील्स पर, तो वो काफी यू नो गो थ्रू किया था। आई मीन सो अनिल जी वो दिमाग में बैठ गया है कि ये गाना तो मतलब जब भी बजता है तो अनिल जी वो ध्यान आ जाता है, और इनफैक्ट जी बहुत ही बेहतरीन गाना है, इस पे डांस करने का भी मन करता है। हाँ, कुछ कुछ गाने ऐसे जिसमें है ना स्टेप्स का कोई मतलब नहीं, जो बढ़ जाए वैसे करो वैसा है उसमें। हमारे जमाने में ऐसा होता था, ये देश है वीर जवानों का, हर शादी में ये गाना बजता था, और जिसको जैसा डांस। पूछो जैन साहब को, हाँ पूछो जैन साहब को, जैन साहब सही है गलत है? ये देखो मतलब जिसको जो डांस करना चाहिए उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब तो वैसा क्या एक्शन आपकी मर्जी है ऐसा करो, जैसे मुंबई में होता है ना गणपति के, सबको अपने अपने हिसाब से करना है वैसे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, जल्दी से लौटेंगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म पिक्स देने के लिए तैयार हैं सेठी साहब, जानते हैं उनसे, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है अनिल जी, एक आईटी कंपनी है, आईटी स्टॉक है। हाल ही में मैंने कई सारे आईटी स्टॉक्स रिकमेंड करे जिसमें फ्रंटलाइन पे विप्रो इंफोसिस रिजल्ट के पहले लेने को कहा था। वैसे ही एक मिड कैप आईटी कंपनी साइलेंट भी मैंने पिछले दो मतलब कुछ एक वीक पहले 1070 के लेवल पे रिकमेंड किया था, वो आज 1200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट बहुत ही दमदार है। उसी तर्ज में सस्टेन कम्युनिकेशन में करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह, 1390 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और सेक्टर्स है सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, और फिर फॉर्च्यून 500 में से 100 कंपनीज इनके क्लाइंट है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 33-34%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 20-21% के, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, एक जीरो डेट कंपनी, और सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता, 16-17 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि पीएस अराउंड 39 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। फिर जून क्वार्टर भी बहुत ही दमदार था, 34 करोड़ का पैट था, 28 करोड़ सिक्वेंशियली के सामने, मतलब सिक्वेंशियली 21% की ग्रोथ दर्ज करी। एफआईआई अराउंड 20% स्टेक होल्ड करते हैं, जिसमें
प्रोमिनेंट है एसएनएल कैपिटल 7.8%। बाकी अगर भी इसके 21 तारीख को यानी कि गुरुवार को 21 तारीख को गुरुवार को इसके नतीजे आएंगे, मुझे लगता है नतीजे इसके भी दमदार होने चाहिए, तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें टारगेट है 1475 का शॉर्ट टर्म का, 1380 का शॉर्ट टर्म। ओके, तो सास्केन टेक्नोलॉजी ये है वो बेहतरीन मिड कैप आईटी कंपनी जहां खरीदारी करने की राय सेठ हिसाब की तरफ से। आइए आज से हम एक खास सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं कि दिवाली के पहले बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौकों पर आपको मिलवाएंगे हम बाजार के जाने माने एक्सपर्ट से। और इस खास पेशकश का नाम और इस बार दिवाली की थीम जो दीप हमने रखी है जी सर, ये दिवाली दमदार डिमांड वाली, हर जगह डिमांड है। और कहीं दूर मत जाओ, देखो मार्केट में शेयरों की डिमांड ऐसी कभी देखी नहीं थी। 125 रुपए में कोई टाटा मोटर्स पूछता नहीं था, आज 125 में लाइन लगाकर सब खड़ी कर ले रहे हैं। तो डिमांड हर जगह, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे आईटी हो, और बाकी सबको छोड़ दो चाहे स्टॉक मार्केट हो। तो इसीलिए हमने इस बार दिवाली की थीम ये रखी है, ये दिवाली दमदार डिमांड वाली। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक खास मेहमान राहुल अरोरा साहब जो निर्मल बंग सिक्योरिटीज के सीईओ हैं। आइए करते हैं उनसे मुलाकात। राहुल जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आपको, आपकी टीम, सारे आपके क्लाइंट्स हैं उनको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। शुरुआत इस बात से करता हूं, और देखिए इस आज जिस दिन आप हमारे साथ हैं मार्केट फिर से लाइफ टाइम हाई पर है, तो पहले तो लंबे समय से आपके साथ मुलाकात हो रही, तो पहले तो ये बताएं बाजार पर व्यू क्या है, बुलिश है, बेरिश तो नहीं बोलूंगा, कॉशियस है, न्यूट्रल है, इस वक्त क्या मूड है आपका? नमस्ते अनिल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत टाइम के बाद। आपको भी, आपके परिवार और पूरे टीम को दिवाली और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस ऑफ माइंड फॉर द कमिंग ईयर। देखिए अनिल जी, अगर बाजार की बात की जाए तो मैं आपको एक सिंपलिस्टिकली, बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। आज की डेट में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की AUM है वो करीब 35 लाख करोड़ की है, 35 लाख करोड़ की है। इसमें से इक्विटी करीबन 15 लाख करोड़ होगा, आई थिंक 20 लाख करोड़ करीबन डेट होगा। तो ये जो 15 लाख करोड़ की इक्विटी है, अगर आप ये मान के चले कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ऑन एवरेज 3% कैश लेके चलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि करीबन 45,000 करोड़ तो कैश ही होगा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास। इसके बाद अगर हम म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज को ऐड कर दें, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को, आराम से हो सकता है कि 30-35 हजार करोड़ और कैश ऐड हो जाएगा। तो आप करीबन 80 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं सिर्फ यहां से। मैं AIF, PMSs, रिटेल और HNI की तो बात ही नहीं कर रहा, और LIC की बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं कि उनको आप 1:1 मैच कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ डोमेस्टिक बाजार में करीबन 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मौजूद है। ये भारतीय इतिहास में इक्विटी मार्केट में कभी नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जिस दिन निफ्टी 150-200-250 पॉइंट भी गिरता है, अगले दिन वो उतनी ही चढ़ाव आ जाती है, क्योंकि जो स्टॉक्स 10-15% गिरते हैं जिनको निवेश करना होता है वो अगले दिन ही आ जाते हैं, क्योंकि पेशेंस लेवल्स बहुत कम हो गए हैं। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी, हम ग्लोबल लिक्विडिटी की तो बात करते ही हैं, लेकिन डोमेस्टिक लिक्विडिटी एनर्जी इतनी हो गई है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ इन द सिस्टम, कि आपको एक मटीरियल करेक्शन की बात करना अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अगर आना हो तो मुझे लगता है कि जो आपको और मुझे इस वक्त नहीं पता है उसके बेसिस पे आएगा, जो पता है उसके बेसिस पे मटेरियल करेक्शन आना थोड़ा बहुत ही मुश्किल लग रहा है। सबसे आप बात करते हैं, बोलते हैं कि मार्केट इज फेयरली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, लेकिन ये गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि पैसा इतना है। तो मुझे लगता है अनिल जी, मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि ये मार्केट चढ़ते चढ़ते 20,000 भी चला जाए। एकेडमिक नंबर है अनिल जी, यहाँ से 10% है, दो तीन महीने में आ सकता है। तो आई थिंक ये सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन हो गया कि कहां जा सकता है, लेकिन द बिगर पॉइंट इज, मुझे नहीं लगता कि इस बाजार में लिक्विडिटी के चलते, मैंने ग्लोबल की तो बात ही नहीं की है, सिर्फ डोमेस्टिक लिक्विडिटी के चलते मुझे नहीं लगता कि मटेरियल करेक्शन यहां से आ सकता है। थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन उसमें बहुत ही आसानी से खरीदारी आ जाएगी। पहले लोगों को लगता था कि ये चलता क्यों नहीं है, अब लोगों को लगता है ये गिरता क्यों नहीं। तो राहुल जी, हमने इसको नाम दिया है तीसरी महाशक्ति। ये जो हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो सब मिलकर, चाहे सीधे तौर पर चाहे म्यूचुअल फंड PMS के जरिए पैसा लगा रहे हैं, ये तीसरी महाशक्ति म्यूचुअल फंड वालों के और साथ ही साथ FIs के मुकाबले में टक्कर में आ चुकी है, और वो लिक्विडिटी, और जब तक पैसा है तब तक तो फिर चिंता ही क्या। अच्छा ये बताइए, पैसे को एक बार अलग छोड़ दें,
वैल्यूएशंस की भी लोग बात करते हैं, बड़े महंगे हो गए, बड़े महंगे हो, शेयर महंगे हो गए, मार्केट महंगा हो गया, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको? अनिल जी, जैसे कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, वैल्यूएशन आपको अगर जस्टिफाई करना है तो आप कर लेंगे, राइट? आप अगर जोमैटो के मुकाबले अगर किसी चीज को बेंचमार्क करें तो सारा बाजार ही सस्ता है, तो डिपेंड करता है कि आपका वैल्यूएशन मैट्रिक क्या है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अनिल जी, अगर आप देखेंगे जैसे इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स होते हैं, उनमें से हम भी एक हैं, उन्होंने जैसे हम वन ईयर फॉरवर्ड वैल्यू करते थे बहुत टाइम से, तो टिपिकली वन ईयर फॉरवर्ड आप FY23 पे वैल्यू करेंगे, लेकिन आप कोई भी ब्रोकर की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, अभी स्टॉक्स FY23 पे वैल्यू नहीं हो रहे, या तो वो 23-24 के बेसिस पे एवरेज हो रहे हैं या फिर वो सीधा FY24 पे चले गए हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि ब्रोकर्स भी वन ईयर फॉरवर्ड पे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो अपना टाइम होराइजन बढ़ा रहे हैं। देखिए आनंद जी, क्या हो रहा है, अर्निंग्स तो जितनी बढ़नी है उतनी ही बढ़ेगी। अगर मैं कहूं इंफोसिस या लीवर या सन फार्मा की अर्निंग्स 20% बढ़ेगी, मेरे कहने से वो 30% नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर किसी फंड मैनेजर के पास पैसा आ रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे SBI म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, हाल ही में उन्होंने 15,000 करोड़ एक फंड में रेस किया था, जो कि ऑलमोस्ट रिसेंट मेमोरी में सबसे हाई था एक फंड के लिए। अगर SBI म्यूचुअल फंड अपने ही चहेते 10 स्टॉक्स में वो डाल दें, तो वो PE बढ़ता जाएगा अनिल जी, अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगे लेकिन PE बढ़ता जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है। तो या तो आप अपना PE खींच लीजिए या अपना टाइम होराइजन बढ़ा दीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं मुझे लगता है कि वैल्यूएशन का जो महत्व था वो काफी हद तक कम हो चुका है। अब लोग यही देख रहे हैं कि इसमें कहां तक पैसा बन सकता है, और उनको जैसे आपने कहा था टाटा मोटर्स की आप बात कर रहे थे जब शो शुरू होने से पहले, कि यहां से आधे भाव में कोई खरीदना नहीं चाहता था, यहां से डबल में कोई बेचना नहीं चाहता, तो आई थिंक वो वैल्यूएशन का डिस्कशन अभी अनिल जी ज्यादा होता नहीं है। इवन आई एम वेरी सरप्राइज कि आजकल की डेट में एवेन्यू सुपरमार्ट्स को ले लीजिए अनिल जी, आज स्टॉक कुछ 6-7% ऊपर है। आपको याद होगा 2 साल पहले एक मल्टीनेशनल ब्रोकर ने उसका 10-year DCF करके प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करके उसको बता दिया था कि 10 साल के बाद डिमांड यहां पर होगा। तो जब डिस्कशन उस तरह के हो जाते हैं एनर्जी, वैल्यूएशन का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढिए और उनमें बैठे रहिए, क्योंकि ये बाजार ऐसा है कि यू डू नॉट वॉन्ट टू बी सेलिंग क्वालिटी कंपनीज, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत पैसा बन गया, क्योंकि आपको लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत आसानी से आ सकती है एनर्जी। तो माई एडवाइस वुड बी, अगर आपका पैसा बन गया है, जस्ट होल्ड ऑन, देयर इज नो रीजन टू सेल। अगर आपको पैसों की इस वक्त सख्त जरूरत नहीं है तो बेचने की कोई खास जरूरत नहीं, पकड़ के रखो, बैठे रहो बस। बेचा तो फिर जो दूसरा लोगे उससे महंगा लोगे और उससे ज्यादा दाम में लोगे, इससे बढ़िया है कि जो आपके पास है अच्छा शेयर है खरीद के रखें। अब जो थीम्स आपने पसंद किए, आपने कहा कि जो ओपनिंग अप वाली थीम है वो सबसे बेहतरीन दिख रही, तो ओपनिंग अप वाली थीम में सबसे ज्यादा अभी जो नाम चल रहे हैं मल्टीप्लेक्सेस, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, तो बताएं राहुल जी ये थीम क्यों पसंद है और यहाँ पर कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है? जी, ये थीम बहुत लंबा चलने वाला है। मैं होटल, जब होटल कंपनी से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि ये डिमांड उन्होंने अपने करियर में नहीं देखा है, और ये पूरा डोमेस्टिक डिमांड है जी, फॉरेन डिमांड तो अभी खुला ही नहीं है और बिजनेस ट्रैवल तो अभी खुला ही नहीं है। आप इंडियन होटल्स का स्टॉक देख लीजिए जी, जो पैंडेमिक का पीक था वहां पे आई थिंक स्टॉक कुछ 70-75 रुपए पे चला गया था, और अभी 220-230 के आसपास है। ये सारी स्टोरीज जो है रिपीट होंगी, मुझे लगता है कि PVR आईनॉक्स में अभी 22 तारीख को थिएटर्स खुल रहे हैं बंबई में, सूर्यवंशी रिलीज हो रही है, एक पिक्चर चाहिए अनिल जी जो 150-200 करोड़ कमा ले और ये स्टॉक सारे डबल हो जाएंगे, और ये एक एक साल में डबल नहीं होंगे अनिल जी। जो आप देखिए इंडियन होटल्स एक साल में, नॉट इवन एक साल में, मुझे लगता है कुछ 11 महीने में ट्रिपल हो चुका है। तो आप ये लिक्विड नाम है, आपको डेल्टा भी बहुत भयंकर मिलेगा, मुझे लगता है यहाँ से भी इंडियन होटल्स में काफी पैसा बन सकता है, क्योंकि उनका डेट काफी कम हो चुका है अनिल जी। ये पीक साइकिल में कुछ आपको 17-18% की रिटर्न रेशियोज देंगे, और मुझे लगता है कि उनके चलते जब डेट कम हो रहा है, आई वुड स्टिल बी अ बायर इन इंडियन होटल्स। मैकडॉनल्ड्स को अगर देखें, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट मेरा एक चहिता स्टॉक रहा है, अगेन पैंडेमिक के लो से डबल हो चुका है, लेकिन एनर्जी एक चीज टेक्निकल वेस्ट लाइफ में ये देखनी है कि ये मार्केट कैप करीबन 8,500-9,000 करोड़ का हो गया, 10,000 करोड़ पे ये मिड कैप हो जाता है। तो लॉट ऑफ फ्रंट मैनेजर्स हु हैव नॉट बॉट वेस्ट लाइफ विल स्टार्ट बाइंग वेस्ट लाइफ आफ्टर 10,000 करोड़ ऑफ मार्केट कैप, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच इट हैज मूव्ड बिफोर दैट। तो आई थिंक ये भी एक स्टॉक है, मुझे लगता है जो यहाँ से डबल हो सकता है। आईनॉक्स तो है ही, आई थिंक इंडियन होटल्स में आपको यहाँ से भी 30-40% मिल सकता है। और जो ड्यूरेबल कंपनीज है एनर्जी, जैसे आप वर्लपूल की बात करें, करीबन 37-38 टाइम्स के वन ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल पे आ रहा है,
यू नो उनकी जो प्री टैक्स आरओआईसी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल करीबन 150% है. बहुत कम कंपनीज है इंडिया में अनिल जी जो इस तरह की रिटर्न रेशियो देते हैं और करीबन 40 टाइम के मल्टीपल पे भी नहीं आ रहा. तो ये एक और नाम है. तो अगर हम ओपन आप थीम्स की बात करें और एक तो जो मैं पिछले 11 साल से मेरा यू नो फेवरेट स्टॉक रहा है वो है बाटा मिड कैप में. मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत ही भयंकर रिटर्न मिलने की संभावना है. तो ये कुछ ओपन आप थीम्स हैं जहां मुझे लगता है कि अभी भी बहुत पैसा बन सकता है. आइनॉक्स लीजर, इंडियन होटल्स, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, बाटा, ये चार बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनीज है, वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, गुड रिटर्न रेशियोज और इंडस्ट्री की रनवे बहुत ही कमाल है अनिल जी. इनको मतलब आप आंख बंद करके खरीद लीजिए. एक साल बाद हम जब दिवाली के बात करेंगे आप उनको आप उनके रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री से बेंचमार्क कीजिए, आपका बहुत ही मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ आउट परफॉर्मेंस होगा. बिल्कुल. तो इसके अलावा कोई थीम्स, कोई स्टॉक्स पसंद है आपको? बिल्कुल अनिल जी, देखिए आपने बाजार मुझसे ज्यादा देखा है अनिल जी, आपको मालूम होगा कि 8000 के निफ्टी पे भी स्टॉक्स एक्सपेंसिव होते हैं और 20000 के निफ्टी पे भी स्टॉक्स सस्ते होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं ढूंढ सकते. आई थिंक अगर आप साइक्लिकल थीम्स खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स के चलते अशोक लेलैंड एक अच्छा नाम हो सकता है, जहां पे अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. और अगर आप अशोक लेलैंड खेल रहे हैं तो उनके प्रॉक्सी में आप एक स्मॉल कैप नेम जमुना ऑटो भी खेल सकते हैं. आपको याद होगा आनंद जी, पिछले दिवाली पे मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस बताया था इज वन ऑफ माई बिगेस्ट थीम्स. मुझे लगता है कि वो थीम अभी भी बरकरार है और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की जो अभी 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल है वो HDFC लाइफ के मुकाबले करीबन 35% के डिस्काउंट पे चल रही है. HDFC लाइफ करीबन 4.2 टाइम्स पे है, ये करीबन 2.8 टाइम्स पे है. तो मुझे लगता है कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में वैल्यूएशन रीरेटिंग की काफी ज्यादा संभावना है और यहाँ से भी आपको अगले एक साल में 25-30% के कम से कम रिटर्न मिल सकते हैं, जो आपके अगर FD के मुकाबले देखें तो ऑलमोस्ट 4x रिटर्न होंगे. तो इंश्योरेंस भी एक बहुत ही बेहतरीन थीम लग रहा है. और ये जो चाइना प्लस वन की बात करते हैं ना अनिल जी, जो केमिकल्स में आया है, हालांकि स्टॉक्स डबल या ट्रिपल हो गए हैं लेकिन ये 20 साल की स्टोरी है, क्योंकि अगर कैपेसिटीज अब जाके शिफ्ट हुए हैं और सारी कंपनीज ने कैपेक्स अब अनाउंस किया है, अगर आप उनका ग्रॉस ब्लॉक भी देखें तो मुझे लगता है कि ये कंपनीज आराम से अगले 10-20 साल तक 20% कंपाउंड कर सकते हैं. तो मुझे लगता है इनके चलते आप अगर नवीन फ्लोरिन को देखें, उनमें क्रैम्स का भी एक बिजनेस है, लेकिन नवीन फ्लोरिन भी एक कमाल की कंपनी है. रिजल्ट्स इसी हफ्ते हैं बट हमें लगता है कि वो भी एक काफी हद तक सेक्युलर थीम हो सकता है. तो आई थिंक साइक्लिकल्स में कमर्शियल व्हीकल्स अशोक लेलैंड, इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भी एक अच्छा नाम है जो आपको काफी हद तक रिटर्न्स दे सकते हैं. परफेक्ट. तो ये हैं ढेर सारे स्टॉक्स जो पसंद है, लेकिन सबसे बढ़िया जो मुझे पसंद आया जो राहुल सर ने कहा है भाई कि 20,000 की निफ्टी, 20,000 और ये इसलिए पसंद आया कि 21 दिसंबर, राहुल जी आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं है याद है, 21 दिसंबर को आपसे फिर मैंने इंटरव्यू किया था, तब निफ्टी था 13,500 और तब आपने 15,000 का टारगेट दिया था, हमने कहा 15,000 ऐसे, और वो एक ही महीने में 20 जनवरी को 15,000 आ गया, तब हमने आपसे फिर इंटरव्यू किया था. अब वापस से 1,500 पॉइंट की तेजी बोली है इस बार फिर से राहुल ने, 18,500 से 20,000 एक महीने का वक्त दे दे, एक महीने का वक्त काम. हाँ, इसमें तो परसेंटेज भी कम है. दिवाली के बाद बात करें, जल्दी दिवाली के बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी. बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए. थैंक यू सो मच अनिल. थैंक यू सर. एक्शन जरा देख लीजिए जी, जो हम एल्यूमिनियम स्टॉक्स की बात कर रहे थे, नालको तो 10% सर्किट लगा के उसके आसपास है, हिंडाल्को 5% ऊपर है, वेदांता देख लीजिए सर, 10% का सर्किट वेदांता में, वेदांता भी सर्किट, क्या बात है, 366 क्या करना है सर अभी? वही जब तक करते हैं सेम, बेचना नहीं ना सवाल ही नहीं, कहां बेचना. आप तो अभी तो लाइन लगी है, देखिए 10% ऊपर लोग लाइन लगा के प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए सर. 100 का 360 हो गया, तब से लेकर अब तक व्यू एक ही है, चाहे वो 130 140 में जब डीलिस्टिंग ऑफर था तब भी ये तक नहीं बेचना है बिल्कुल भी, 90-95 आया तब फिर से खरीदारी की, 230 में फिर से जब रिवाइज हुआ ओपन ऑफर तब भी, और तब से लेकर अब भी बेचना ही नहीं है, अभी तो रखिए ना. अब तो आप डीप प्रॉफिट में, अब क्यों बेचना है, अब तो 25 रुपए अगर नीचे आ भी जाए तो कौन सा फर्क पड़ता है. करेक्ट. और अभी अच्छा इसमें दीप 18.5 रुपए डिविडेंड भी जोड़िए ना. हाँ, ऑफ कोर्स. तो मतलब लगभग 385 जो 400 रुपए का टारगेट हमने दिया था उससे सिर्फ 15 रुपए दूर है. बिल्कुल. तो 400 तो 375 वाला टारगेट तो एक तरह से आ गया, 375 400 का जो टारगेट था आ गया, लेकिन मत बुक करिए. नहीं करना, ना रखिए अभी तुम मेटल्स में. तो अभी कहाँ वो सिद्धार्थ जी बोल के गए कितना 1766 टाटा स्टील, सब बढ़िया है, एंजॉय कीजिए, रखिए अच्छी एंट्री हुई तो जल्दबाजी में हड़बड़ी में निकल ना जाए. आइए वक्त है न्यूज पर, व्यूज सेगमेंट का.
डिमांड मजबूत है और बताएंगे कितनी मजबूत डिमांड है। पूर्वांकरा लिमिटेड से बात करेंगे हम न्यूज पर व्यूज में। पूर्वांकरा लिमिटेड 46 साल पुरानी कंपनी, 1975 से की शुरुआत और रियल एस्टेट कारोबार में बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। कर्नाटक में ज्यादा कारोबार है और अब तक 74 प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुके हैं। 42-43 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया डेवलप कर चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो मार्केट मैनेजमेंट में मास्टर्स कर चुके हैं, बिजनेस फाइनेंस में डिप्लोमा कर चुके हैं, रियल एस्टेट सेक्टर का उनका 22 सालों से ज्यादा का गहरा अनुभव भी है और इस कंपनी की रेजिडेंशियल बिजनेस की ग्रोथ में उनकी काफी जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। पढ़ने लिखने का शौक तो है, ये तभी सीईओ बने हैं, लेकिन इसके अलावा ट्रैकिंग और लॉन्ग ड्राइव, वाह ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग शौक है। तो कपूर साहब स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत इसी चीज से करना चाहता हूँ, ये नवरात्रि वाला सीजन कैसा रहा है सर? हम मुंबई में तो ये सुन रहे हैं कि अब तक की हाईएस्ट डिमांड हुई है, हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन हुए हैं ये 9 दिनों में। आपकी कंपनी के बारे में, आपके कर्नाटक के मार्केट के बारे में भी जरा बताएं सर। अनिल जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए और हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो प्रेजेंस है वो साउथ और वेस्ट दोनों जगह है। हम करीब 9 सिटीज में है, तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है आज की डेट में मार्केट का, ये दशहरा और दिवाली का सीजन एनीवेज हमारे लिए और सारे इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा होता है, लेकिन स्पेशली ये साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा दिख रहा है। डिमांड काफी स्ट्रांग है, पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है और कस्टमर्स खरीद रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि इस साल पिछले साल की सेल से ज्यादा सेल होगा। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड सेल किया था, इस साल पॉसिबली उससे भी बेहतर सेल रहेगी। अच्छा सर, और ये मार्केट में पूरे मार्केट की सिचुएशन सेम है, परफेक्ट है, तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। ओके, बहुत ही बढ़िया। और त्योहारी सीजन में तो वैसे भी एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, दाम भी बढ़ रहे हैं क्या सर? क्योंकि थोड़े थोड़े संकेत, मतलब एक चीज अब सबने मन में ये तो बिठा लिया कि दाम गिरेंगे नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस दिख रहे हैं 10-20% थोड़े थोड़े पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में दाम बढ़ने के संकेत भी नजर आ रहे हैं, इसके बारे में जरा आइडिया दें। अनिल जी देखिए, पिछले 5 सालों में जो रेट बढ़े नहीं है वो इनफैक्ट रेट करेक्शन ही हुए हैं, और अब लोगों का जो आपने एकदम सही कहा, रियलाइजेशन हो गया है कि रेट अब लोएस्ट पे हैं, इनफैक्ट दाम बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। पिछले 6-8 महीनों में दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट कई रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी हैं जिसमें बताया गया है कि नेशनल रेट्स बढ़ चुके हैं। हमने पर्सनली रेट्स बढ़ाए हैं 5-6% से लेकर के 12% तक, अलग प्रोजेक्ट अलग माइक्रो मार्केट डिपेंडिंग की क्या सिचुएशन है उस पर। लेकिन मेन रीजन रेट बढ़ने का दो है, एक स्टील और सीमेंट प्राइसेस काफी, इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गई है, लेबर कॉस्ट काफी बढ़ गई है, दूसरा हमारे पास कोई भी जीएसटी इनपुट क्रेडिट नहीं है, तो हम वो जो कॉस्ट बढ़ती है उसका हमारे ऊपर और ज्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि जीएसटी का भी इम्पैक्ट होता है। दूसरा, मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलपर्स के पास, बिल्डर्स के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू इंक्रीज द रेट्स। तीसरा, डिमांड अगर आप देखेंगे पिछले 1-1.5 सालों में, मतलब कोविड के बाद स्पेशली, जो डिमांड है वो मोर और लेस रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री की तरफ काफी स्ट्रांग रही है, और आज की डेट में वो इन्वेंट्री बिल्कुल बिल्कुल कम हो चुकी है और ज्यादा सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि न्यू लॉन्चेस और जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन खाली इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो बड़े ब्रांडेड स्ट्रांग डेवलपर्स हैं जिनका अच्छा डिलीवरी रिकॉर्ड है, ये सारी डिमांड उन्हीं की तरफ जा रही है। और क्योंकि आज कस्टमर को विश्वास होना चाहिए कि जो वो खरीद रहे हैं उसकी डिलीवरी पक्का है, तो मुझे लगता है कि ये जो डिमांड है ये कुछ लोगों तक सीमित है, कुछ कम प्लेयर्स तक सीमित है जो कि स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है जिनका डिलीवरी रिकॉर्ड अच्छा है, और दूसरा मुझे लगता है कि सबने ये जो एक्सपीरियंस पिछले 1 साल का किया है पैंडेमिक के दौरान, वो रियलाइजेशन आ गया है कि अब अपना घर होना बहुत जरूरी है। तो प्लस इनफैक्ट जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो कम हो गए हैं, तो ओवरऑल क्योंकि डिमांड बॉयंट है, कॉस्ट इंक्रीज हुई है, तो प्राइस आगे बढ़ते रहेगा, मुझे ऐसा लगता है अगले 1-1.5-2 साल तक मुझे लगता है कंसिस्टेंट इंक्रीज प्राइस का होने वाला है। ओके, अच्छा सर, ये तो
पूरा आपने आउटलुक दिया सेक्टर का, अब ये बताइए जरा कंपनी के बारे में, आपके क्या एक्सपेंशन प्लान्स है, कितना नया बिजनेस करने का इरादा है, क्या लॉन्चेस वगैरह आप कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दें सर। देखिए हमने अभी इमीडिएट में तो दो लॉन्चेस ऑलरेडी प्री लॉन्च स्टेज में है, दो प्रोजेक्ट, एक बॉम्बे में है वो करीब 10 लाख स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है और एक बैंगलोर में है पूर्वा लैंड में है जो कि करीब 14 लाख स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है, बॉम्बे वाला प्रोविडेंट के में है और वो शील फाटा लोकेशन है डोंबिवली में, वहां पे हम प्री लॉन्च कर रहे हैं और टोटल इस साल हमारा 70 लाख स्क्वायर फुट का सॉरी 7 करोड़ स्क्वायर फुट का लॉन्च है और हमारा जो टोटल पाइपलाइन है वो 9 सिटीज में स्प्रेड आउट है बिटवीन पूर्वांकरा, प्रोविडेंट और पूर्वालैंड। तो आगे के आप 6 महीनों में देखेंगे कि हमारे कंटिन्यूअस लॉन्चेस होंगी ये सारे मार्केट्स में और ये तीनों प्रोडक्ट कैटेगरीज में होंगी और जिसमें से आप समझिए जैसा मैंने बताया 35 लाख स्क्वायर फुट करीब पूर्वांकरा में होगा, करीब 40 लाख स्क्वायर फुट अपना पूर्वा लैंड में होगा और करीब करीब 70 लाख स्क्वायर फुट प्रोविडेंट में होगा जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग है। चलिए तो बहुत ही बढ़िया, नए लॉन्चेस की तैयारी है और तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, सेक्टर और कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो ये थे पूर्वांकरा के CEO अभिषेक कपूर साहब, बहुत ही तगड़ा आउटलुक आता है, दिखा गजब का एक्शन है। अच्छा ये जबरदस्त एक्शन है, चलिए एक्शन को यही रोकना होगा, वक्त ब्रेक लेने का है, शो खत्म करने का है, हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेंगे, कुणाल जी, राकेश जी, वागे साहब, जय ठक्कर, विश्वेश जी, जैन साहब और सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर वाले शो में फिर से होगी मुलाकात और आप सबसे निवेदन है देश के प्रति सम्मान के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।